दूर तक जहां सड़क पर लोग हैं, पंडाल में तो है ही, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां कहीं छाया मिल रही है वहां भी दिख रहे हैं हमें। और ये जो छोटा हाथी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं, ये मंच भरा दिखाई दे रहा है। दूर हेलीकॉप्टर के आगे भी लोग हमें दिखाई दे रहे थे, पीछे भी हैं, और जब नीचे से नहीं दिखाई दे रहे थे तो मंच को देखने लिए कोई खंभा नहीं बचा। यहां पर 8-10 लोग हमें न दिखाई दे रहे हो नौजवान, जब खंभे पर जगह नहीं बची तो हमारे जो टेंट लगा है, टेंट का जो पाइप है उससे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ऊपर है उससे निवेदन है, इसके बाद और किसी को मत ऊपर बुलाना। यहां पेड़ है, पेड़ पे भी लोग हैं, ये समर्थन न केवल जीत दिलाने जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड मतों से राजीव गांधी को जिताने जा रहा है। चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, जो पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, उन्हें मैं समझता हूं ऐसे लड़खड़ाए हैं कि अब उन्हें छड़ी भी नहीं बचा पाएगी। भाषा तो बदली बदली है, लेकिन जो साथी हमारे प्रधान सांसद जी का भाषण सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रधान सांसद जी एम शब्द के पीछे पड़ गए हैं या मां शब्द के पीछे पड़ गए हैं। जहां कभी उन्होंने मीट को लेकर के कुछ कहा, मच्छी को लेकर के कुछ कहा, और जब उन्हें कुछ होश नहीं रहा तो वो मुजरे तक पहुंच गए, और उससे उम्रे भी नहीं थे तब तक महात्मा गांधी जी को याद करने लगे। अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है, वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या करने। ये कितनी भी मां 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 कर ले, लेकिन इस बार मऊ वाले इनको छोड़ने वाले नहीं है। और देख लेना जब परिणाम आएगा तो यही कहेंगे कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। जो लोग 400 बार का नारा दे रहे थे, याद है कि नहीं याद है, जो 400 बार का नारा दे रहे थे लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद और जो जनता का गुस्सा उन्होंने सातवें आसमान पे देखा है, तब से 400 बार नहीं 400 हार याद आ रही है उन्हें। 400 पार का जो नारा दिया था उसको हम लोग बाद में समझ पाए, हमारे साथी जानते होंगे कुछ लोकसभा के बारे में जो गिनती है, जो लोकसभा के सांसद हैं वो लोकसभा में 543 बैठते हैं, और अगर ये बीजेपी वाले 400 पार की बात कर रहे थे तो बताओ 543 में 400 बार कितनी सीटें हैं? 100। इस बार इन्हें 143 भी नहीं मिलेंगी। इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है वो इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।
और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणी वार होने जा रहा है। हमारा किसान तो पहले से ही दुखी नाराज है इनसे, क्योंकि किसानों को कहा इन्होंने की आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे सुनने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और जिनको कोई नहीं जानता वो उप मुख्यमंत्री कई बार आए हैं यहाँ, कई बार आ गए हैं और उन्हें पता है कि घोसी का परिणाम क्या था। उन्हें जब घोसी का परिणाम पहले ही पता है तो सोच लिए क्यों आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि आप अपने वोट के दिन सावधान रहना। बताओ वोट के दिन आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक एक नौजवान को इन्होंने जब कभी परीक्षा देने गया तो इन्हें धोखा मिला है। कोई परीक्षा ये सरकार नहीं करा पाई, जब भी परीक्षा हुई